तब अपने आश्रम में गुरु वशिष्ठ ने चारों बालकों को शिक्षा देनी आरंभ की। चारों बालक एक से बढ़कर एक थे, पर उनमें राम सबसे अनोखे थे, सबसे अलग। तुम सभी ने लक्ष्य साधना सीख लिया है, अब तुम चारों को ये बताना है कि किसका कौन सा लक्ष्य है। पहले शत्रुघ्न को उत्तर देने दो। गुरुदेव, मेरा लक्ष्य मेरे शत्रु है, मैं अपने सारे शत्रुओं को मार डालूंगा। ठीक है ठीक है, तुम बताओ भरत। प्रजा को जो दुख देगा वो मेरा लक्ष्य होगा गुरुदेव। और अब तुम बताओ लक्ष्मण। जो हम पर बुरी दृष्टि रखेगा मैं लक्ष्मण उसे नहीं छोड़ूंगा गुरुदेव, उसका वध कर दूंगा ऐसे। बहुत क्रोधी हो तुम लक्ष्मण, इतना क्रोध ठीक नहीं होता। जानते हो क्रोध में कोई भी उचित निर्णय नहीं ले पाता है। अब तुम बताओ राम। मैं अपने लक्ष्य के बारे में समय के अनुसार सोचूंगा गुरुदेव, यदि बातचीत से ही हमारा कार्य हो जाएगा तो मैं धनुष का प्रयोग नहीं करूंगा। हाँ ये तो ठीक है, पर यदि तुम राजा बनोगे तो? प्रजा की भलाई के लिए मुझे जो भी करना होगा करूंगा गुरुदेव, उसके लिए चाहे मुझे किसी भी संकट का सामना क्यों न करना पड़े। मैं तुम सभी के उत्तर से प्रसन्न हुआ। अयोध्या कुमारों ने अपनी योग्यता के कारण कम समय में ही अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी कर ली। महाराज दशरथ अपने पुत्रों की अद्भुत कला कौशल से बहुत खुश हुए। माताओं ने गुरु के आश्रम से लौटे पुत्रों की आरती उतारी, परंतु अभी कुमारों ने गुरु की शिक्षा विद्या का ठीक से अभ्यास भी नहीं किया था कि एक विचित्र घटना हुई। महाराज गांधी के पुत्र महान तपस्वी धर्म के रक्षक महर्षि विश्वामित्र पधार रहे हैं। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय हो। पधारिये महर्षि, आप बड़े शुभ समय पर आए हैं, आपके आशीर्वाद से सारी अयोध्या का हित होगा। हम तो सारे संसार का हित करने की इच्छा से यहाँ आए हैं महाराज, आपके कुमार की अद्भुत योग्यता किसी से छुपी नहीं है। उन पर आप जैसे ऋषियों की कृपा जो है ऋषिवर, कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। सेवा के पूर्व हम आपसे वचन देना चाहते हैं महाराज। कैसा वचन महर्षि? आप जैसे महर्षियों की सेवा में ही ये सूर्यवंशी दशरथ अपने प्राण भी दे सकता है, और ईश्वर की कृपा से अयोध्या राज के पास धन वैभव की कोई कमी नहीं है। धन वैभव की बातें करके हमें लज्जित ना करें महाराज, हम ऋषियों के लिए धन संपत्ति का क्या मोल। फिर आप क्या चाहते हैं महर्षि? आप वचन दें कि आप मेरी इच्छा को ना नहीं करेंगे। ठीक है, मैं वचन देता हूँ। तो सुनिए महाराज, हमें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए आपके पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों चाहिए महाराज। नहीं महर्षि, नहीं महर्षि, नहीं, नहीं, नहीं। दशरथ से राम मांग लेना उनके प्राण मांग लेने से कम नहीं, उनके तो प्राण ही राम में बसते थे। विश्वामित्र के मुंह से राम को ले जाने की बात सुनते ही वो मूर्छित हो गए। मांगे होते राजपाट मैं देता तो है निर्मोहिया प्राण मांग लेता।
तू बेरी प्राण मांग लेता तू बेरी काहे राम मांग लिया। पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए फीवर प्रस्तुति रामायण, क्योंकि मन पावन तो जग पावन। रामा।